मध्य प्रदेश के सतना से अपहरण हुई एक युवती की तलाश में आज सतना पुलिस राजाखेड़ा पहुंची और राजाखेड़ा पुलिस की मदद से एक घर पर छापा मारा। छापे में युवती तो नहीं मिली, लेकिन दीवार कूदकर भागता हुआ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक राजा बेड़िया से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजा बेड़िया के मामा पर सतना से लड़की का अपहरण करने का आरोप है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने एक नई अभिनव पहल शुरू की है। अब पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा वीक ऑफ। थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों के अनुपात पर दिया जाएगा वीकली ऑफ। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज धौलपुर कोतवाली में पुलिस कर्मियों को अवकाश दिया गया। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आगामी दिनों में धौलपुर के अन्य थानों में भी पुलिस कर्मियों को वीक ऑफ दिया जाएगा। बाड़ी में मदरसे के पास हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सद्दाम कुरैशी, सलमान पठान एवं सलमान कुरैशी शामिल हैं। वन विभाग की SIT टीम पर रजई के पड़ा गांव में हुए हमले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर खनन में लगे हुए 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया है। लुटपुरा गांव के पास बामनी नदी पर ट्रैक्टर पलटने से 3 जनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायलों को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर मिट्टी भरने के लिए सरमथुरा जा रहा था, लेकिन जैसे ही बामनी नदी पर पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया। धौलपुर पुलिस द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। वो तो सबको मिलेगी, और करू लोगों के नाम हमारे पास अभी बाद में आए वो लिखे हैं, जो हमने फोन कर कर बोला है वो तो सबको अभी मिल जाएगी आज। पर कुछ नाम ऐसे वो बाद में हमारे पास आए हैं, जो बाद में आए हैं उन लोगों को भी आप चिंता मत करो, उन लोगों को भी अप्रैल मई के महीना में हम दे देंगे। अभी पप्पू के पास लिस्ट है, पप्पू जो देख कर आए ये सब लोगों ने दिलवा दे, और जो कोई रह जाएंगे वो अभी अपन आ गए फिर दिला देंगे अप्रैल। राजाखेड़ा के गांव नाथों के पुरा में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान ने AB बैंक के सौजन्य से स्कूली छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक निदेशक मुकेश कुमार मीणा रहे तथा अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने की।